हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जूही परमार। हम सबको गर्मा गर्म चटपटे पकौड़े खाना बहुत पसंद होता है। जब भी कोई कहता है पकौड़े खाएंगे तो दिल तो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही डर कहता है अरे नहीं, इसमें बहुत ऑयल होगा। डीप फ्राइड होता है पकौड़ा, फिर ऑयल से कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वजन बढ़ जाता है, इट्स अनहेल्दी वगैरह वगैरह वगैरह। तो फ्राइड चीज़ों से हम बहुत ही दूर रहना पसंद करते हैं और इसलिए अपने मन को मार कर नहीं नहीं पकौड़ा नहीं खाना कह देते हैं। तो मन को क्यों मारा जाए? जब कोई चीज़ पसंद है तो उसे खा पाने का रास्ता क्यों ना निकाला जाए? क्या वो ज़्यादा इंटेलिजेंट बात नहीं है? समझदारी तो इसी में है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो अगर हम पकौड़े फ्राई किए बिना बनाएं और वो उतने ही क्रिस्पी और टेस्टी हों तो हमें ना बोलने की ज़रूरत नहीं और हम जी भर के पकौड़े भी खा सकते हैं। और उसका रास्ता है एयर फ्रायर, जिसमें तेल होता है बिल्कुल नाम मात्र का, पर स्वाद, देखिए बोलने से पहले ही मुंह में पानी आ गया, स्वाद होता है उतना ही बढ़िया जितना आपको डीप फ्राई करने पर मिलेगा। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से चटपटे करारे पकौड़े बनाना सीखते हैं एयर फ्रायर में। एक मीडियम साइज प्याज लीजिए, उसे पतला पतला स्लाइस कर लीजिए, और दो मीडियम साइज आलू लीजिए, उन्हें भी पतला पतला स्लाइस कर लीजिए। फ्रेश धनिया पत्ता लीजिए, उसे बारीक काट लीजिए। एक हरी मिर्च लीजिए और उसे भी बारीक बारीक काट लीजिए। अब एक बोल में ट्रांसफर कर लीजिए। मसाले डालेंगे, नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। मैंने सारे मसाले अपने स्वाद के हिसाब से लिए हैं, आप अपने स्वाद से ले लीजिए और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब 3 टेबलस्पून बेसन लीजिए, 2 टेबलस्पून चावल का आटा और मिक्स कर लीजिए। अब 2 टेबलस्पून दही डालिए और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और बेस्ट मिक्स होता है हाथों से, इससे सारे मसाले भी अच्छे से आपस में मिल जाते हैं। सो इस तरह से मिक्स करके हम इस बैटर को 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसमें पानी बिल्कुल मत डालिएगा। 10 मिनट बाद देखिए अपने आप सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है और ये इतना सॉफ्ट हो गया है। हमें एयर फ्रायर के लिए इतना ही गाढ़ा बैटर चाहिए, इसमें बस थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिलाइए और मिक्स कर लीजिए। अब एयर फ्रायर में ब्रश से बिल्कुल थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, चम्मच से इस तरह से बैटर को डाल दीजिए, ये अपने आप भजिए का शेप ले लेता है। और अब हमारे पकौड़े तैयार हैं एयर फ्राइड होने के लिए। इसे मैंने एयर फ्रायर में डाल दिया है और 160 डिग्री पर मैं इसे फ्राई करूंगी, ये देखिए। और इसका टाइम मैं सेट कर रही हूं 15 मिनट के लिए। पाँच मिनट के बाद इसे एक बार खोलकर चेक करेंगे और ऊपर हल्का सा हम ऑयल ब्रश कर देंगे और इसे फिर से एयर फ्राई होने के लिए रख देंगे। टोटल 15 मिनट के बाद ये देखिए हमारे एयर फ्राइड पकौड़े, क्रिस्पी पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं, रेडी टू बी एंजॉयड। चटपटे कुरकुरे लेस ऑयल में बने पकौड़े तैयार हैं। तो हेल्थ की हेल्थ, टेस्ट का टेस्ट, अब टेस्ट कर भी लेते हैं।
बिल्कुल पता नहीं चलता है कि ये एयर फ्राइड है, डीप फ्राइड नहीं। तो अगली बार टेस्ट के साथ हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। और इसे आप जिस भी चटनी के साथ खाना चाहते हैं खा सकते हैं। मुझे तो ऐसे ही बहुत पसंद आ रहा है, ऐसे ही बहुत पसंद आ रहा है। यू ऑल स्टे सेफ, आई विल सी यू गाइस सून।